गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर सरकार की तरफ से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि जब गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार होगा तो इन लोगों की बसी बसाई जिंदगी एक बार फिर उजड़ जाएगी। थोड़ी ज्यादा बढ़ा दें और हो सकता है ये फ्लाइटें कहाँ भर के आ रही हैं, हो सकता है ये खाली आ रही हैं, ये तो खाली आ रही हैं। दिन में तीन तीन चार चार कभी तो सात सात आठ आठ फ्लाइटें भी आती हैं, तो इतना तो है ही नहीं कि टूरिज्म की वो हर बार भर के आ रही हैं, तो हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है। भले ही सरकार इनका मकान बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाएगी, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन को ये लोग खो देंगे। बर्बाद मत करा कन्या है यहाँ पे, ये इतु दे इतु रहना दिया पे आड़े बच्चे आहाँ ते भी बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे आहाँ का कुछ हो जाएंगे कने कुछ हो ले के जाएंगे मंज कने कुछ हो जाएंगे किसी नहीं टुंडा पीड़ किसी नहीं मुंडा पीड़ कुछ नहीं चक्कर हो दे कता जाएंगे ले के ये गल है पे नहीं बढ़ना चाहिए पे। गग्गल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज जमानाबाद में विधायक एवं कैबिनेट रैंक आरएस बाली का पुतला जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे पहले ही वहां पर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और उन्होंने पुतला नहीं जलाने दिया। जनता का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर जमकर निकल गया। हम संघर्ष कर रहे हैं कि एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए, जैसे हमारे घर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पास बुजुर्ग है, वो कहां जाएंगे? बुजुर्गों का हाल आपने देख तो लिया, यहां पे कहां जाएंगे? और हम ये सोच रहे हैं कि जितनी जो फ्लाइटें लगी है ना, दो तीन और लगा लो, ऊपर से जैसे जाती है ना वैसी फ्लाइट है, वैसे जाती रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज जो हुआ, आज तो हमने मीटिंग रखी थी तो मीटिंग में मुझे ये नहीं पता, हम तो बाद में पहुँचे, ये नहीं पता कि कैसे किसी ने CID की और पुलिस आई, ये हमें कोई पता नहीं। पुलिस नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या किया, मैं तो पहले बाद में पहुँची है ना, पहले आ गई थी, मुझे नहीं पता, मैंने तो देखी है, पुलिस देखी है मैंने, मेरे सामने नहीं आई है। पर ये ना, हम पता क्या, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने गाय वैसे रखी है, कहाँ जाएंगे हम लेके? कभी किसकी नपाई हो रही है, कभी घरों की हो रही है, कभी गायों की हो रही है, कभी पेड़ों की हो रही है, हम तो टेंशन में ही है, परेशानी हो गई, रात को कोई सोता तो है नहीं। जब ये यहाँ पे जैसे उठाने की बात आएगी तो पता नहीं कितनों को अटैक हो जाएंगे, अभी नींद चली गई है सभी को। और मैं एसडीएम के साहब पास के भी गई थी, तो एसडीएम साहब मुझे बोलते हैं कि इतना क्यों घबराए हैं, आपको 3-4 किलोमीटर के एरिया में जगह दी जाए। तो मैंने उनको भी बोला था कि सर मुझे ये बताइए कि 3-4 किलोमीटर के एरिया में कहाँ जगह दे रहे हैं आप, हम कहाँ बसा रहे हैं? अगर इतना ही है तो पहले बसा के तो देखो।